नमस्कार मारवाड़ी मीडिया, आप देख रहे हैं वक्त हो गया है दिन भर की तमाम बड़ी खबरों का। शुरुआत कर देते हैं सबसे बड़ी अपडेट के साथ। अब नेशनल हाईवेज के टोल प्लाजा पर 15 फरवरी से केस लेन बंद हो जाएगी। अगर आपके वाहन पर फास्ट टैग नहीं लगवाया है तो लगवा ले, क्योंकि 15 फरवरी से सभी नेशनल हाईवे पर केस लेन को बंद कर दिया जाएगा। वाहन सिर्फ फास्ट टैग लेन से ही निकल सकेंगे। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया सभी टोल प्लाजा पर नकदी लेन देन बंद करने जा रहा है। 15 फरवरी से पहले सभी चार पहिया वाहनों को कहा गया है कि फास्ट टैग लगवा ले, नहीं तो टोल प्लाजा के एक लेन में लंबी लाइन में लगना पड़ सकता है। साथ ही में आपको बता दें, अब दोगुना टोल देना पड़ेगा क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पर पूरी तरह से फास्ट टैग को अनिवार्य कर दिया है। साथ ही में आपको जानकारी दे दें, प्रदेश में 6,25,000 वाहन पंजीकृत है, अभी भी 60,000 वाहन ऐसे है जिन पर फास्ट टैग नहीं लगा है। प्रदेश के नेशनल हाईवे पर स्थित सभी 72 टोल प्लाजा फास्ट टैग कर दिए गए हैं। ट्रायल भी पूरा हो चुका है, 15 फरवरी से बिना फास्ट टैग के वाहन टोल से नहीं निकल सकेंगे। हालांकि ऐसे वाहनों को निशुल्क फास्ट टैग जारी किया जा सकता है। प्रदेश की दूसरी बड़ी खबर आपको देते, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी राजस्थान के दौरे पर आए। राहुल गांधी का ये दौरा इसलिए महत्वपूर्ण माना जा रहा था कि लोगों को लग रहा था कि एक बार राहुल गांधी फिर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच दूरियां कम कर देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। राहुल गांधी के दौरे के बाद तो अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच दूरियां और ज्यादा बढ़ चुकी है। दरअसल राहुल गांधी अजमेर में पंचायत को संबोधित कर रहे थे, उस दौरान सचिन पायलट को राहुल गांधी के मंच से उतार दिया, जिसके बाद अब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और प्रियंका गांधी वाड्रा के काफी नजदीक माने जाने वाले आचार्य प्रमोद ने कांग्रेस पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा है कि किसानों की पंचायत में एक किसान नेता को ही मंच में उतार कर किसानों का भला कैसे कांग्रेस कर पाएगी। उन्होंने कहा है कि सवाल सचिन पायलट की तोहिन या इज्जत का नहीं है, सवाल कांग्रेस के भविष्य का है। अगली बड़ी खबर कोटा से आ रही है। आज वेलेंटाइन डे है और वेलेंटाइन डे पर एक प्रेमी की प्रेम कहानी का दर्दनाक अंत सबको रुला गया। जानकारी के अनुसार कोटा शहर के रेलवे कॉलोनी थाना इलाके में रंगपुर भदाना इलाके में युवक ने अपने हाथ पर प्रेमिका का नाम लिखकर घर पर पंखे से फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। परिजनों की सूचना पर रेलवे कॉलोनी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को फंदे से उतारकर एमबीएस मोर्चरी लेकर आए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मरने से पहले उसने अपनी प्रेमिका का नाम हाथों पर लिखा था। वेलेंटाइन डे पर प्रेमी के सुसाइड की इस घटना ने सबको झकझोर दिया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। अगली बड़ी खबर भी आपको हैरान कर सकती है। राजस्थान से बारात लेकर दूल्हा उत्तर प्रदेश गया। बैंड बाजा ढोल नगाड़े पर बारातियों ने जहां जमकर डांस किया, वहीं दुल्हन के घर वालों ने भी बारातियों के स्वागत में कोई कमी नहीं रखी। सभी शादी में खुश थे। खुशनुमा माहौल में शादी के सभी रस्मों रिवाज निभाए जा रहे थे। दूल्हा भी अपनी शादी को लेकर बेहद खुश नजर आ रहा था, लेकिन उसकी यह खुशी कुछ देर ही टिक सकी। शादी की रस्म खत्म होने को थी, बस सिंदूर दान होने वाला था। दूल्हा मंडप पर दुल्हन का इंतजार कर रहा था, लेकिन दुल्हन सोच जाने का बहाना बनाकर घर से गायब हो गई। साथ में गहने और कीमती कपड़े लेकर गांव के ही दो बच्चों के बाप के साथ फरार हो गई। दूल्हे की खुशियां धरी की धरी रह गई और दुल्हन फरार हो गई तो बारात भी बिना दुल्हन के ही वापस लौट गई। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। अगली बड़ी खबर आपको दे दे, आज पेट्रोल डीजल की कीमतों में लगातार छठे दिन बढ़ोतरी जारी रही। इसके बाद पेट्रोल और डीजल की कीमतें रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई। राजस्थान में पेट्रोल 99 रुपए जबकि डीजल 91 रुपए प्रति लीटर के पार हो गया। आपको बता दे, पूरे देश में राजस्थान में ही पेट्रोल डीजल पर सबसे ज्यादा वेट लगा हुआ है। तो यही थी प्रदेश की आज की कुछ बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। राजस्थान की बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।